ये देखिए अब कितनी बेहतरीन मेरी सब्जी बनके तैयार है, एकदम गर्मा गर्म। हाय दोस्तों, आज बनाएंगे आलू भाटे की सब्जी, जिसे मुंबई जैसे शहर में आलू बैंगन भी बोलते हैं। तो ये मैंने बैंगन लिया है, बारीक बारीक काट लिया है। ये हमारा गरम मसाला है, तेज पत्ता, लकड़ी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च और जीरा। ये हमारी हरी मिर्ची है, ये शिमला मिर्ची मैंने बारीक काट लिया है, ये प्याज लिया है मैंने एक मीडियम साइज, एक जो है दो मीडियम साइज आलू लिया है और एक टमाटर लिया है। इन सारी चीज़ों से हम बनाएंगे आज आलू बैंगन की सब्जी, जो बेहतरीन और खाने में लाजवाब है। हाय दोस्तों, मैंने जो है अभी गैस पे पतीली रख दिया है। जब तक मेरी पतीली गर्म होगी, इसमें फिर हम ऑयल डालेंगे, फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे, बनाएंगे बैंगन रेसिपी। तो हाय दोस्तों, मेरा तेल जो है गर्म हो चुका है। अब उसमें ये राई के दाने डाल रहे हैं थोड़े से, उसके बाद ये जो हमारा गरम मसाला है ये सब इसमें हम डाल देंगे। हल्का सा भून लिए, मिर्ची हो गई है, उसके बाद उसमें हम ये जो प्याज काटे थे वो डाल देंगे। इसको हम हल्का भूनेंगे। हमारी प्याज जो है थोड़ी हो चुकी है, पूरी प्याज हम नहीं गलाएंगे इसमें, थोड़ी इसलिए कि ताकि हमारी जो सब्जी है उसके अंदर प्याज भी दिखना चाहिए, तब वो सब्जी बहुत ही खूबसूरत बनती है। ये हमारा प्याज हो चुका है। इसके बाद इसमें जो है हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये मैंने जो है छोटी चम्मच से 3 चम्मच लिए हैं अदरक लहसुन के पेस्ट। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे। एक से दो मिनट इसे भूनेंगे। एक से दो मिनट हो चुके हैं। अब इसमें जो है हम लाल मिर्च डालेंगे स्वाद अनुसार, जिसको जितनी खाना है। उसके बाद इसमें जो है हल्दी डालेंगे। काश्मीरी मिर्च थोड़ा सा डालेंगे। साथ ही इसमें मैं जो है थोड़ा सा काला नमक डालूंगा, इससे जायका बहुत अच्छा आता है। इसी में काली मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, बाद में चेक करके बाकी डालेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। ताकि मसाला जले नहीं। उसके बाद इसमें हम जो है धनिया डालेंगे, धनिया पाउडर। इससे जो है सालन गाढ़ा होता है। इसको हम अच्छे से भूनेंगे जब तक कि हमारा तेल छूटे ना। थोड़ी थोड़ी देर पे थोड़ा हम चलाते रहेंगे, हमारा मसाला जब हो जाएगा तब उसके बाद जो है इसमें हम बाकी मटेरियल डालेंगे।
ये देखिए मेरा मसाला हो चुका है। अब इसमें जो है बाकी चीजें हम डाल, ये मैंने इसमें भाटा डाल दिया है, बैगन, मिर्ची, ये शिमला मिर्ची लिया था मैंने, वो भी डाल दिया इसमें, आलू, और उसके साथ ही साथ हम टमाटर भी डाल देते हैं इसमें। उसके बाद इन सारी चीजों को हम मिक्स करेंगे। हल्का सा इसके अंदर पानी डालेंगे। यह बार हमारा मिक्स हो चुका है। अब इसको हम ढक देंगे पकने के लिए। सब्जी कितनी बन चुकी है, माशाल्लाह। हमारी सब्जी जो देखिए 75% बन चुकी है। ये देखिए अब हमारी सब्जी तो है एकदम रेडी हो चुकी है खाने के लिए, तैयार एक सब्जी। देखिए कितनी बेहतरीन सब्जी बनी हुई है। ये देखिए अब कितनी बेहतरीन मेरी सब्जी बनके तैयार है, एकदम गर्मा गर्म।